डिग्री सबका यार। इनको गैलरी से निकाल दिया जाए। टोटल वोट वोट्स पोल 291, सरदार अयाज सादिक साहब 197 वोट्स रिसीव किए। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हंगामा आराई शोर शराबे में स्पीकर डेप्टी स्पीकर का इंतखाब। नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौबे सप्ली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर बन गए। अयाज सादिक ने 199, मुस्तफा शाह ने 197 वोट लिए। सुनी इतिहाद के आमिर डोगर को 91, जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। दोनों अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। इजलास के दौरान सुनी इतिहाद के अरकान ने डायस का घेराव कर लिया। ऐवान में जूते लहराते रहे। अलीम खान और अतातारड़ के वोट डालने पर शदीद नारेबाजी। नवाज शरीफ के पहुंचने पर लीगी अरकान ने उनके गिर्द हिसार बना लिया। गैलरी में बैठे अफराद सुनी इतिहाद काउंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। राणा तनवीर, निसार जट और उमर अयूब में नोक झोंक। पहले खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सियासत में तलखियाँ आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। कोशिश होगी हम सब मिलकर कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करें। हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद है जो कि फॉर्म 47 की वजह से अलग तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। वोट गिनने वालों ने अवाम का मैंडेट चुराया। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, कहते थे बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लग गया, देखें ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। उमर अयूब ने सवाल किया, घुस बैठिए स्पीकर के इंतखाब में वोट कैसे डाल सकते हैं, ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं, गला खराब है, कट भी जाए तो हमने आवाज उठानी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया वो ऐवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर का स्पीकर से मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग देने का मुतालबा। कहा, आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। लीगी रहनुमा राणा तनवीर ने जवाब दिया, सियासी मुखालिफिन में हकीकत सुनने का हौसला नहीं, ये 2018 की धांधली की पैदावार हैं। उमर अयूब किस पार्टी में नहीं गए। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को बनाने उनके घर पहुंच गए। कायद नून लीग के सरफराज हिकवाई से 1-to-1 तवील मुलाकात। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत, हुकूमत सासी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे किए। राना सनाउल्ला कहते हैं, नवाज शरीफ और मौलाना ने हमेशा एक दूसरे की बात मानी है, हम मौलाना को कहीं नहीं जाने देंगे। सहाफी के सवाल पर साद रफीक बोले, इंशाल्लाह खैर होगी। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, हमारा मौकिफ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, ताहम फैसला मरकजी जनरल काउंसिल में किया जाएगा। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। तो ये समझना है
कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है और बार बार सिलेक्टेड बन के आते हैं, मुल्क को लूटते हैं, हमारा पैसा चोरी करते हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो एक हफ्ते के अंदर, जिसके जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इसलाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इसलाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर-ए-आला KP मुंतखब। हल्फ बरदारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेंगे। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला का ऐवान में पहला धुआंधार खिताब। पुलिस को 9 मई के नजायज़ मुकदमात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म। कहा, मैं अपने घर पर था मगर 9 मई की 9 FIR काटी गई। मैंने कुछ किया है तो आए मुझे गिरफ्तार करें। मेरे कारकुनान खवातीन और लीडर पर FIR ख़त्म की जाएँ। चीफ जस्टिस से मुतालबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। FIR करने वाले इसलाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मैंडेट चोरी करना आइन और कौम के साथ गद्दारी है। फॉर्म 45 खोलें, हकीकत कौम के सामने लाएं। मीर सरफराज मुफ्ती बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मुंतखब पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा न कराए। सपली में बाकायदा वोटिंग आज दिन 11 बजे होगी। सरफराज मुफ्ती से डिप्टी कमिश्नर गवादर का टेलीफोनिक रब्ता। नामज़द वज़ीर-ए-आला के रिहायशी इलाकों से फौरी निकासी है आपकी हिदायत। की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज मुझे वीडियोस जो है वो आनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहां पर आऊंगी चेक करने के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज अवामी रिलीफ के लिए मुतहरिक। कहती हैं, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए उन्हें भी रमजान पैकेज दे रहे हैं। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने तमाम तकर्रों तबादलों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डाटा मुरतब करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। MQM का हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला। नून लीग के साथ आईनी तरमीम का मुआहदा तय। 3 नकाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बल्दियाती निज़ाम कराची के मसाइल का हल और आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग से गवर्नर्स के मामले पर बात फाइनल हो चुकी। जहां जहां नून लीग से मुआहदा नहीं हुआ वहां मुतहदा को मौका मिलेगा। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कहीं इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 mm रिकॉर्ड। गडाप टाउन में यालाबारी। मौसम में खुनकी बढ़ गई। लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। KP में जल थल एक। पेशावर में रिमझिम। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल जारी। चित्राल अपर दीर कलाम मालम जबार नथिया गली में बर्फ ही बर्फ। शोगरान कागान नारान और मुल्हिका वादियों में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से शहराए नीलम और शहराए कराकुरम ब्लॉक। मरी गलियात और गिरदोनवा में आज बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के बेशर इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तो खयाली। गवादर में तबाहकुन सूरत हाल बरकरार। 2 दिन में 187 mm बारिश रिकॉर्ड। हजारों लोग बेघर। गलियों में कई कई फेट पानी जमा। चमन पशीन कलाबदुल्ला कला सैफुल्ला लोहरलाई और कोहलू में वक्फे वक्फे से बारिश। पाक बहरिया का गवादर में रिलीफ ऑपरेशन जारी।
صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ 9 مارچ کو ہوگی، شیڈیول جاری۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے کاغذات آج جمع کرائے جائیں گے، بلاول بھٹو تجویز کنندہ ہوں گے، کاغذات فاروق نائک جمع کرائیں گے۔ ادھر سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر الیکشن 14 مارچ کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی مارچ میں سینٹ کے 12 رکنین کا انتخاب کرے گی۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 11 سینیٹر کی مدت 8 مارچ کو پوری ہوگی۔ پاکستان کی سیاست یہ ہے، جو بکتا ہے وہ وفادار، جو نہ بکے وہ غدار۔ نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی دونوں عوامی طاقت سے آئے بھونڈا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ محمود اچکزئی کا کاپی سپلی میں سارے خیال، کہا سب طے کر لیں، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا، پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا سرچشمہ یہ پارلیمان ہوگا۔ مارشل لاء کی حمایت نہ کرنے والوں ججز کو ہیرو قرار دیا جائے، مارشل لاء کی حمایت کرنے والے ججز سے تنخواہیں واپس لی جائیں۔ احسن اقبال نے کہا ایک لیڈر جماعت یا ادارہ تنہا مسائل حل نہیں کر سکتا، تقسیم کی سیاست کریں گے تو عوام نا امید ہوں گے، اپوزیشن ملک کی خاطر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد توہین عدالت کے مرتکب قرار، 6 ماہ قید کی سزا اور 1,00,000 روپے جرمانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فیصلہ سنا دیا، عدالت نے 1 ماہ کی سزا معطل کر دی، کہا 1 ماہ کے دوران اپیل دائر کریں، سزا معطل نہ ہوئی تو گرفتار کر کے جیل بھیجوایا جائے۔ ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کا حکم۔ ڈی سی اور دیگر نے فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے مستعفی جج مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی مکمل، چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم نے متعدد بار مظاہر نقوی کو گواہن پر جرح کا موقع دیا لیکن وہ نہ آئے، ہم کسی کو لازمی جرح کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تمام گواہن کے بیانات قلم بند، کاؤنسل اپنی رائے صدر مملکت کو بھجوائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کو ریلیف مل گیا، 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں درخواست ضمانت منظور، 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنا دیا۔ دوسری جانب 9 مئی کے 7 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا، اسپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو فوجی تنصیبات جلانے کا کہا، اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت میں گواہوں کے بیانات پڑھ کر سنائے۔ کم عمر بچیوں کی نکاح نامے منسوخ کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری، لاہور ہائی کورٹ کا قانون پر سختی سے عمل درآمد کا حکم، کہا کوئی کم عمر شادی رجسٹرڈ ہوئی تو کارروائی کی جائے گی، قانون پر عمل درآمد کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، جین میریٹ کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیراعلی بننے پر مبارکباد، وزیراعلی نے گورننس اور شفافیت پر اپنے ویژن سے آگاہ کیا۔ مہاتر پولیس افسر سیدہ شہربانو سعودی عرب میں شاہی مہمان بنیں گی، اے ایس پی شہربانو نے دورہ سعودی عرب کی دعوت قبول کر لی، جلد فیملی کے ہمراہ سعودی عرب جائیں گی، عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گی۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز ملاقات کے لیے دورے کی دعوت دی تھی۔ لیاری آپریشن کے دوران پولیس پر حملے کا کیس، عدم ثبوت پر عزیز بلوچ سمیت 4 ملزمان بری، پروسیکیوشن اور تفتیشی حکام عزیز بلوچ کے خلاف 35ویں مقدمے میں بھی جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں محمد سلام عرف بولا نثار، ذاکر عرف ڈاڈا اور غلام محمد عرف غلام۔ اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی، امداد کی منتصر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، 104 شہید، 750 زخمی، یو این سیکرٹری جنرل نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، کولمبیا نے اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریداری روک دی، عالمی مسمت کے باوجود برج کیمپ، خان یونس اور رفا میں بھی بمباری۔ ایس پی ایل
PSL में एक दिन का वक्फा, आज मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी करेगा। पहले मैच में पेशावर सलमी और लाहौर क्लंदर्स मध्य मुकाबले होंगे। शाम को इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान का 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहला नंबर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 फतूहत के साथ दूसरे नंबर पर। मुसलसल दो बार के चैंपियन लाहौर क्लंदर्स कोई मैच न जीत सकी। खानेवाल के इलाके तलंबा में नेजाबाजी के मुकाबले, 350 से ज्यादा घुड़सवारों की शिरकत। सिंगल मुकाबलों में तसव्वुर, सेक्शन मुकाबलों में हिदायतुल्ला ने अव्वल पोजीशन हासिल की। और रोमानवी शायर नासिर कासमी को मताहों से पिछड़े 52 वर्ष बीत गए। उनकी लिखी गजलों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। नासिर कासमी की शायरी आज भी दिलों को ताज़ा करती है।